प्रिय स्मरणीय अजीत ब्रो, आपका तीर ठीक एकदम इनके पिछवाड़े के मध्य गोलाकार को भेदता हुआ बाहर निकल गया है। इसी कारण से ये बिलबिलाए हुए हैं। जिस तरह आतंकवादियों का कॉपीराइट शांति समुदाय वालों के पास है, भिखारी होने का कॉपीराइट पाकिस्तान वालों के पास है, कोरोना वायरस का कॉपीराइट चाइना वालों के पास है, ठीक उसी तरह से वामपंथी सुअर का कॉपीराइट सोरा भास्कर के पास है। अजीत भैया ने ट्वीट करते हुए कहा कि एक आतंकी वामपंथी स्वराज निपट गया और मुझे दुख इस बात का है कि वह हॉस्पिटल में मरा, वो भी ऐसे कोविड के काल में जब लोगों को बेड नहीं मिल पा रहा है। ऐसे अपराधियों को बेड देना भी एक अपराध है। वैसे इसके लाश को कुत्तों के लिए फेंका गया या फिर इसके चमड़ी से वामपंथी डफली बनाई गई। चार चवन्नी घोड़े पे एक्टिविस्ट मेरे, वामपंथी सुअर शब्द सुनते ही सुअरा के स्थान विशेष में मिर्ची लग जाती है और उस मिर्ची को बुझाने के लिए वो 786 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से ट्विटर पे आती है और अपनी उंगली को निकाल के काम शुरू कर देती है ट्वीट करने का, जिसके लिए अजीत भैया ने उसे पॉकेट रॉकेट गिफ्ट भी किया था। लेकिन आखिर पूरा मुद्दा क्या है, चलिए जानते हैं। कुछ दिनों पहले एक कन्वर्टर जो कि लोगों के ऑडियो और वीडियो को कन्वर्ट किया करता था, वह लफड़े में मिल गया। एक्चुअली में उसका नाम था लोडू स्वामी। हाँ हाँ यही नाम है। आर यू कॉमेडी मी? हंसने की बात नहीं है, उनका नाम सच में लोडू स्वामी ही था। लोडू स्वामी उर्फ स्टैन स्वामी, और इसी बारे में हमारे आदरणीय अजीत ब्रो ने ट्वीट किया था, जिसके ऊपर खटाखट रिप्लाई करते हुए स्वरा भास्कर ने ट्वीट कर दिया। आइए जानते हैं कि आखिर जो लोडू स्वामी था उसने कौन से ऐसे कांड कर दिए थे। नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी का कहना था कि ये जो लोडू स्वामी था वह भीमा कोरेगांव केस में कॉन्स्पिरेटर था। उसने लोगों को भड़काया था कि दंगे करो और साथ ही साथ पथराव करो, और इसी कारण से उसके ऊपर चार्जेस थे और वो जेल में सड़ भी रहा था। और इसके अलावा वो एक माओवादी एक्टिविस्ट भी था, उसके माओवादियों के साथ कनेक्शन भी थे, माओवादियों से उसे पैसे भी मिलते थे। अब किसी माओवादी के मरने के ऊपर जो पोटाशियम ऑक्साइड है और जो लिब्रांडूज है वो ठीक उसी तरीके से चिल्ला रहे हैं जिस तरीके से रात को शांति समुदाय के इलाकों में बकरी चिल्लाती है। फिर चाहे वो 2 BHK से अपग्रेड होकर 3 BHK की चाह रखने वाली जर्नलिस्ट हो या फिर शेरवानी पहनने वाली जर्नलिस्ट हो, सब ठीक उसी तरीके से चिल्ला रहे हैं। ये लोग उसको फादर कह के बुलाते थे। अब जिसका बाप इस तरीके की मृत्यु से मरेगा तो ऑब्वियसली उनके स्थान विशेष में मिर्च तो लगेगी ही। ओके। अगर बात की जाए उंगली वाले कन्वर्टेड पोटासियम ऑक्साइड की, तो जब रोहित सरदाना जी की मृत्यु हुई थी तो उस टाइम पे पोटासियम ऑक्साइड हंस रहे थे और हंसी वाला रिएक्शन दे रहे थे। उस टाइम पे भी ट्वीट करने आई थी, लेकिन उसकी उंगली जो थी वह गलत जगह पे फंसी हुई थी जिस कारण से वह टाइप नहीं कर पा रही थी। फिर जब 786 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से वह उंगली को बाहर निकालती है और मोबाइल पर टाइप करने की कोशिश करती है तो मोबाइल गीली हो जाती है, क्योंकि उंगली भी गीली थी, और मोबाइल बार बार फिसल जाता है जिसके कारण टाइप नहीं हो पाता है। अब क्योंकि कुछ दिनों पहले आदरणीय अजीत ब्रो ने उनको पॉकेट रॉकेट भी गिफ्ट किया था, इसी कारण से इस बार उनको ट्वीट करने में कोई परेशानी नहीं हुई। समझ रहे हो ना। एक बार मैंने हिंदुस्तान की प्रख्यात अभिनेत्री स्वरा भास्कर से पूछा, अपने बदन के कपड़ों को उतारती क्यों हो, गरीबों के बच्चों को मारती क्यों हो, क्या तुम्हारा बदन कपड़ों को नहीं ढोता? तो उसने जवाब दिया, क्या करे जनाब, कंट्रोल ही नहीं होता। जाते जाते आपके साथ एक वीडियो शेयर किए जा रहा हूँ जो ट्विटर पे मौलाना जी ने शेयर किया था। इंशाल्लाह दोबारा योगी को उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री नहीं बनने देंगे, नहीं बनने देंगे। हिंदू भाइयों शेर बनो, जवाब दो ना, शेर बन सको तो शेयर करो, दबा के शेयर करो।